नमस्कार, मैं जेवी मनीषा स्वागत करती हूं आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सफर जिंदगी का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वे जानी जाती हैं अपने खास तरह के डील डॉल में फिल्मों में काम करने के लिए। आप जानना चाहेंगे उनका नाम, वे हैं गुड्डी मारुति। इस तेज रफ्तार जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके नजदीक जाकर उनकी जिंदगी के बारे में और अधिक जानने का मन करता है। सिनेमा के पर्दे पर हंसी बिखेरने वाली एक शख्सियत है गुड्डी मारुति, जिनकी पर्दे पर जो झलक दिखाई देती है उससे कहीं अलग है उनकी वास्तविक जिंदगी। आइए आज इस जिंदगी के सफर में दो कदम उनके साथ चलें। जिंदगी के सफर की शुरुआत बचपन से होती है, तो हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन कैसे बीता। मेरा जन्म हुआ है बॉम्बे में, एंड बचपन जो है मेरा बहुत ही जैसे एक नॉर्मल किड का होता है, बट बहुत शरारती हुआ करती थी। सारे जो नेबर्स के पेरू के झाड़, आम के झाड़, हर एक पे पता चला गुड्डी कहाँ है, गुड्डी कहाँ है, वो झाड़ पे चढ़ी हुई, उनके पेरू चुरा रही हूँ। एंड आई मीन आई वाज अ टॉम बॉय, स्पोर्ट्स बोलिए आप, लाइक साइकिल चलाना है, दिन भर धूप में साइकिल चला रहे लाइक यू नो, आई वाज अ टिपिकल टॉम बॉय एंड लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी, वेरी एवरेज स्टूडेंट। पढ़ाई में बिल्कुल ही ध्यान नहीं, खाली खेल कूद में और क्रिकेट में और इसमें और उसमें ध्यान है। गुड्डी मारुति जी से मिलकर इस बात पर यकीन तो हो ही जाता है कि नियति ही जीवन के मार्ग और मंजिल को तय करती है। गुड्डी मारुति जी के जीवन में फिल्मी करियर का पदार्पण कैसे हुआ, आइए उन्हीं से पूछें। एक्टिंग की तरफ मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था। मैं स्कूल में थी एंड प्रीति गांगुली तब यू नो मेरे टाइप के रोल्स लाइक करती थी, एंड वो सडनली शी लॉस्ट वेट। तो जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं सदानाज, उनकी एक फिल्म बन रही थी जिसमें प्रीति गांगुली वाज सपोज टू प्ले दैट रोल ऑपोजिट दिवेन वर्मा, और उसमें एक गाना था मोटी पल्ले पै गई। तो अब देवर मतलब वो मुश्किल में ये थे कि प्रीति ने वेट रिड्यूस कर लिया है और गाना रिकॉर्ड हो चुका है, मोटी पल्ले पै गई, मतलब मोटी ही चाहिए उस रोल के लिए। तो उनकी परेशानी यूं हल हो गई कि भाई उनको लगा, अरे मारुति जी, माय डैड वाज नोन, द फैमिली वाज नोन टू ईच अदर, उनकी लड़की है गुड्डी मोटी सी एंड आई शुड बी रियल टॉमबॉय एंड ऑल, उसको ले लेते हैं। तो इस तरह जिसको कहते हैं जबरदस्ती, आई वाज लाइक पुट इन टू द इंडस्ट्री एंड देन इट टुक ऑफ फ्रॉम देयर। ये माना कि जिंदगी में हमें कभी कभी कुछ रास्ते स्वतः ही मिल जाते हैं, फिर भी उन रास्तों पर दृढ़ता से चलकर अपने आप को स्थापित करना परिश्रम मांगता है। आज जो मुकाम गुड्डी जी ने बनाया है उसके पीछे उनकी लगन और परिश्रम की गाथा क्यों ना उन्हीं के मुंह से सुनी जाए। देखिए, जैसे मैंने मेरी पहली फिल्म की थी 100 दिन सास के, तो मेरे डैड तभी जिंदा थे एंड माय डैड वाज अ कॉमेडियन मारुति। तो उन्होंने जब फिल्म देखी एंड उन्होंने कहा वेरी बैड, लाइक यू नो, एंड आई वाज लाइक बहुत ही, मुझे एकदम जाके पिंच किया वो बैड, वो जो उनके लव्स थे कि सिंह तुम मेरी लड़की हो और यू आर सो बैड, एंड आई वाज लाइक डैड, लाइक जबरदस्ती मुझे डाला गया है। मैंने मन में कहा, बोले देखो आई एग्री, ही सेड कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है एंड लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड टुवर्ड्स दैट थिंग एंड यू हैव डन इट, और ठीक है, बट अगर आगे तुम्हें इसे कंटिन्यू करना है सो
put it in your mind ki you are a comedian, you are not a heroine, you are not supposed to look good and glamorous, your actions are not supposed to be that ekdam shy or bahut hi adaen wagaira, wo heroine jaisi nahi hai. I was like a normal girl, but he's saying no, you're not a normal girl, you will be a comedian. So a comedian ke jo bhav hai, it has to be very different, it has to be very funny. Like tumko screen pe dekhte hi logon ko hansi aa jani chahiye, ya tumhare pehnne ka jo kapde pehnogi usse dekhte hi people have to laugh, or the faces you make, people have to laugh. So that thing jisko kehte na mere dimag mein baith gaya. And being an Aryan, Aries, तो मुझे ऐसा लगता था मैं जो कुछ करूँ, may that be making a cup of tea, it has to be perfect. You know, so I'll keep on trying till it becomes perfect. So आप ये कह सकते हैं, हाँ मैंने ये effort किया कि भाई मैं देखूँ कि किस तरह, like I used to see a lot of English films, Charlie Chaplin films, तो उनसे inspire होकर and like then ऐसे आस्ते ऐसे सीखती गई मैं. And I put an effort to see that the minute I come on screen, people have to laugh. So ye aap keh sakte hain ki this was one thing which my father had told me and wo mere dimag mein baith gaya tha. माना कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, फिर भी अपने जीवन में प्राप्त सफलता का श्रेय हर कोई किसी न किसी को अवश्य देता है। तो आइए गुड्डी जी से जानें कि वो किसे देती हैं अपनी सफलता का श्रेय। आपने हमें अपने बारे में इतनी सारी जानकारी दी और इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड आप सबको मेरा नमस्ते। थैंक यू।